हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा व्रत का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और संतान की सलामती के लिए व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में व्रत एवं त्योहारों की कमी नहीं है और हर त्यौहार या व्रत का अपना एक महत्व और फल होता है। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व बताया गया है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वट पूर्णिमा व्रत के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान की खुशहाली की कामना के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो आइए जानते हैं इस साल 2022 में ज्येष्ठ मास में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और क्या है शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। तो साल 2022 में पूर्णिमा तिथि 13 जून सोमवार को दोपहर 1:42 से शुरू होकर इसका समापन 14 जून मंगलवार को सुबह 9:40 पर होगा। इसलिए पंचांग के अनुसार उदय तिथि 14 जून को होने के कारण वट पूर्णिमा का व्रत 14 जून 2022 के दिन ही रखा जाएगा। साथ ही पूजा भी इसी दिन करना शुभ होगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 14 जून को मंगलवार के दिन सुबह 9:40 से 15 जून को बुधवार के दिन 5:28 के मध्य शुभ योग माना जा रहा है। ऐसे में वट पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त 14 जून 2022 को ही है। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री पूजा की विधि। तो इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर श्रृंगार की वस्तुएँ इकट्ठी करके वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। इसके बाद बरगद के पेड़ के चारों ओर कलावा और कच्चा सूत लपेटें। उसके बाद जल चढ़ाकर हल्दी कुमकुम लगाकर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें, फिर आरती करके मन में पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करें। यहीं पूजा के बाद सासू माँ को बयाना देने से सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस